नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक बारीक काटे हैं और अब इसमें 2 सर्विस स्पून हम बेसन डालेंगे। बेसन आप कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर आधा चम्मच कम या ज्यादा अगर जरूरत है। पेस्ट जैसे नहीं बनी है आपकी पकौड़े के हिसाब से, तो थोड़ा आधा चम्मच ऊपर या नीचे आप डाल सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन। अगर आप नहीं खाते तो आप अजवाइन नहीं भी डाल सकते। और कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, अगर आप खाते हैं तो आप डालिए, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। अब हम अच्छे से पहले बेसन को प्याज में मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको पकौड़े के लिए हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। करीबन 1/2 कप पानी शायद लगेगा, और अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा कम या ज्यादा भी आप रख सकते हैं पानी को। तो फ्रेंड्स, हमारी पकौड़े की पेस्ट तैयार है। देखिए इस तरीके से, ना तो ज्यादा पतली होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी। तो अब हम एक पैन में, मैंने यहाँ पे तेल गरम किया हुआ, तो हम थोड़े थोड़े डालेंगे पकौड़े की पेस्ट को। अगर आप छोटा साइज रखना चाहते हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं, नहीं तो बड़े भी बना सकते हैं, किसी भी साइज में ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। गैस को आपने लो फ्लेम पे रखना है ताकि पकौड़ा जल ना जाए, और फिर हम धीरे धीरे इसको हिलाएंगे एक एक करके। एक एक करके आप इसे उल्टा करते जाएं। देखिए कितना अच्छा रंग आया और बेहद ये सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। हार्ड पकौड़ा जो है खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इसे सॉस या फिर हरी चटनी के साथ इसका मजा ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये सारे पकौड़े उल्टे कर दिए और हम लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से जब लाइट ब्राउन हो गए हैं तो हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। हमारे पकौड़े अब बनके तैयार हैं। प्लेट में मैंने पेपर नैपकिन रखा हुआ है क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। अब हम जो बचा हुआ मसाला है उसको हम डालेंगे पकौड़े के लिए।
सारे पकोड़े एक एक करके निकाल लेंगे। जब दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएं तो फ्रेंड्स हमारे जो पकोड़े हैं तैयार हैं। तो फ्रेंड्स हमारे प्याज के पकोड़े तैयार हैं। देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी ये उतने ही स्वादिष्ट हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।